हेलो एवरीवन, आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज आप सबको वो देखने को मिलेगा जिसकी आप बहुत दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो वेलकम टू करणनामा। यो करणनामा, आफ्टर सो मेनी इयर्स, यस आई थिंक आफ्टर 3 साल के बाद, बच्चा हुआ है वो भी मेरा नहीं है, ठीक है, वो इनके रियल हस्बैंड से है। तो डायरेक्ट कांग्रेचुलेशंस भेजो, मुझे मत भेजो। थैंक यू सो मच। और शादी के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है मेरे और तेरी शादी में। तो हुआ ये था कि हमारे हम एक दूसरे को काफी साल से जानते हैं एंड वी हैड ऑल कॉमन फ्रेंड्स। तो यूजुअली ना लड़की वाले लड़के वाले में जूता चोरी का वो जो रस्म होती है, तो यूजुअली क्या होता है कि के पेरेंट्स और लड़कियां के पेरेंट्स या मामा मामा को इन्वॉल्व होके सीरियस नहीं होने की कोई कोशिश करता है, बट समटाइम्स किसी को बुरा लग जाता है। बट यहाँ पर पेरेंट्स वर नॉट इन्वॉल्व, इट वाज ओनली किड्स एंड सिंस एवरीबडी न्यू एवरीबडी, हमारे जैसे ही फेरे खत्म हुए तो ऐसा था कि लड़के के फ्रेंड्स, हम लड़के के सारे फ्रेंड्स लड़के के साइड और लड़कियां सब लड़कियां के साइड। तो बट एक फ्रेंड है मेरा जो मेरा बहुत प्यारा फ्रेंड है जिसको मैंने थोड़ी सी घूस दी थी, उसने कल्टी दे दी। क्लियरली वो लड़कों की साइड पे था, लड़कों के साइड पे था। उसने बता दिया हमें इशारे से कि उस लड़के के कुर्ते के अंदर जूते हैं। अब जैसे ही हम फेरे करके निकले, मेरी बहन उसके पास गई और उसने बोला जूते दे, ऐसे जूते दे। उसने बोला मेरे पास जूते नहीं है, बट शी वॉज एडमेंट। उसने कुर्ता उठाया उसका और अंदर डाला हाथ और जूता निकालने की कोशिश की। जैसे ही वो हुआ, सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे में घुस गए और फिर वो बन गया मिक्स्ड वेजिटेबल पुलाव। वाह! और फिर वो झमघट में क्या हुआ? फिर वो झमघट में क्या हुआ वो किसको पता नहीं, अंदर सब गाली गलौज चालू हो गई। अच्छा। और जैसे ही हम 20 लोग एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के अंदर एकदम, वो हमें वीडियो में दिखने को मिला है, इट इज अमेजिंग। और जो इन्वॉल्व नहीं है वो ना ऊपर से ना ऐसे गिली 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 कर रहा है। इट वाज वेरी फनी। मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स और डेक्ड अप थी विद ऑल एक्सपेंसिव ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। किसी का कुछ यहाँ, किसी का कुछ वहाँ, किसी का साड़ी इधर, किसी का शादी में इधर भी। नाइस, आई लाइक दिस आईडिया, मुझे शादी में जाना चाहिए। फाइनली जूते किसके पास थे किसके पास नहीं थे, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। ओनली फैक्ट वाज कि बहुत मजा आया सबको एंड पूरा वो बंडल ऑफ पीपल थे वो सारे गिर गए, वो रोल हो रहे थे स्टेज पर। सो एवरीबडी एंजॉयड। बट प्लीज ये कोई और शादी में मत करी यहाँ, बिकॉज वी न्यू ईच अदर सो वेल, इसलिए मामला सेंसिटिव हो सकता है फैमिली के लिए। हां हां, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, नॉट ट्राई दिस एट योर वेडिंग, एट योर वेडिंग, करेक्ट। दैट वाज सुहासी एके आभा। थैंक यू सुहासी, आई थिंक आफ्टर इयर्स। या एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू। 16 अक्टूबर वेडिंग पुलाव, वॉच इट। द वेडिंग पुलाव, द वेडिंग पुलाव।